ईस्ट के लोगों के साथ होने वाला भेदभाव हमेशा चर्चा का विषय रहा है। इस विषय पर कलर्स टीवी पर नीमा डेजोंग का ये सीरियल शुरू हो रहा है। आज नीमा डेजोंगपा सीरियल की स्टार कास्ट आज नागपुर आई थी। इस दौरान हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है। सीरियल में सुनीता माने और सुरेश माने का किरदार निभा रहे उषा नायक और अक्षय केलकर से आइए डालते हैं एक नज़र। कलर्स टीवी चैनल पर आने वाली नीमा डेजोंगपा जो सीरियल है ये सोशली जो एक जो है समाज में संदेश देने वाली सीरियल है। हमारे साथ है इस शो के दो स्टार कास्ट, हमारे साथ अक्षय और उषा नायक जी है। नमस्ते मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मराठी में तो आप खास्ट सासू करके फेमस हो, हिंदी में आप सीरियल जो है पहली बार कर रहे हो, इसके बारे में आप क्या बताओगे, कैसा एक्सपीरियंस था और इसकी आपकी जो यहाँ की जो मतलब भूमिका है किस तरह की है, क्या बताओ? टिपिकल वो जो सास होते हैं ना, वैसे तो मेरी ये मेरा किरदार तो है ही, लेकिन मराठी का वर्ड कहने के टिपिकल ऐसे हिंदी नहीं है, पूरा साफ सुथरे, हाँ मराठी का ही टोन है और मराठी बीच में हम बोलते भी हैं क्योंकि वो चौल में रहने वाली औरत है, अनपढ़ है, ये है, फिर भी वो खास्ट है और एक अलग तरीके से ये रोल है मेरा, उसमें कॉमेडी भी है, थोड़ा सा खास्ट भी है, कभी अनपढ़ जैसी भी है, कुछ करने जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, ऐसा अलग 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 तरह से उसका ये है। प्यार करने वाले भी है क्योंकि एक तरफ वो अपने बच्चे के लिए, अपने पोते के लिए वो प्यार भी उतना ही करती है, तो ऐसा ये सब शेड्स है इस रोल में और मैं पहली बार कर रही हूँ और वो भी कलर्स पे कर रही हूँ और कलर्स ने मुझे ये ऐसा मैं बोलती हूँ कि मैं कलर्स ने मुझे ये चांस दिया है कि ऐसा रोल में, हाँ नीमा डेजोंगपा के लिए उन्होंने मुझे चुना और ये मुझे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी और अब तक अपना अच्छा चल ये चल रहा है और लोगों ने मुझे ये रोल में पसंद भी किया है, महाराष्ट्र में और अब महाराष्ट्र के बाहर भी पसंद किया है। हाँ बिल्कुल, अभी तक तो महाराष्ट्र में आप मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, हिंदी जो मूवीज जो है आपने तो की है, लेकिन आप जिस तरह से बहू के लिए हो उसी तरह बेटियों के लिए भी उतनी ही खास्ट हो या थोड़ी सी सॉफ्ट हो, क्या बताओ? नहीं अभी तक तो बेटियों के साथ मेरा ऐसा कुछ ये नहीं, लेकिन आज तक तो बेटियों के लिए मेरे मन में थोड़ी सी नफरत है क्योंकि लड़की बोले तो नफरत है और अपना बेटा पोता बोले तो उसकी तरफ ज़्यादा प्यार होता है, कोई भी नानी हो कोई भी आजी हो तो उसको ज़्यादा वैसा होता है कि पोते की तरफ उसका थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा होता है, तो ऐसे इनके बचपन से ही मैंने उन लड़कियों को कभी अपनाया नहीं है, तो अभी तक उनके साथ वैसा मेरा कुछ है नहीं, पता नहीं आगे चलकर शायद मैं उनको अपना लूँ। मेरा सवाल जो है अक्षय से है, अक्षय क्या बताना चाहोगे आप, जो है इससे पहले तो आपने हिंदी सीरियल तो की है लेकिन ये जो है नीमा डेजोंगपा इसके बारे में सोशली मतलब एक संदेश देने वाला ये है, क्या बताना चाहोगे किस तरह की इसकी स्टोरी है? संदेश मतलब कोई ऐसा संदेश शब्द सुन के बहुत लोगों को लगता है नहीं 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 अभी देखे कैसे, तो संदेश वगैरह नहीं, अपने घर की सीरियल है, घर जैसे मतलब घर में जो होता है आजू बाजू परिस्थिति जो होती है उस पर निर्भर बनाई हुई सीरियल है, तो बहुत अच्छी सीरियल है जैसे कि चल रही है अभी, TRP बहुत अच्छी है, जो नहीं देख रहे वो प्लीज़ जाके सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे कलर्स पे देखिए। आगे किस तरह का मोड आने वाला है इस सीरियल में ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, इसीलिए जिस तरह से अक्षय ने बताया है कि ये सीरियल ज़रूर देखें। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।